सो हेलो गाइस, माय सेल्फ विशित पात्रा है। यू आर वाचिंग स्टोरीलाइन इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसे कि वीडियो के थंबनेल देख के आप सभी को पता चल ही चुका है, आज की वीडियो का टॉपिक फिर से एक न्यू पीसी बिल्ड के ऊपर है। आज का पीसी और जो है ऑर्डर आया है गुजरात से, नाम जो है उनका रोहित कुमार जी। रोहित कुमार जी एक बहुत ही अच्छा वीडियो एडिटर एंड फोटोग्राफर्स हैं। उनको एक बेस्ट प्राइस में एक बेस्ट पीसी बनाना था, तो उन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने एडवांस के तौर पर एक बार 80K और फिर से 2K टोटल 20K का एडवांस उन्होंने किया है, जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सो पीसी कौन सा बन रहा है? पीसी जो आज बनने जा रहा है वो है i5 12 जनरेशन और 16GB 3200 MHz रैम के साथ, 240GB SSD और 650W SMPS के साथ। और ये पीसी टोटली व्हाइट के ऊपर बन रहा है, व्हाइट केबिन है, व्हाइट SMPS। पीसी बनने के बाद लुक आप देख ही सकेंगे, बहुत अच्छा लुक्स आने वाला है इस पीसी का। और इस पीसी में टोटल कॉस्टिंग जो आया है 43K 500 में एक कंप्लीट वीडियो एडिटिंग एल्बम डिजाइन CPU बन रहा है। सो इस पीसी में पार्ट्स कौन से यूज किए हैं? फास्ट पार्ट्स जो यूज किया गया है वो है i5 कोर i5 12 जनरेशन का 12400 में। अभी मार्केट में बहुत से प्रोसेसर रहते हैं, ज़्यादा से लोगों को पता नहीं चलता है। मतलब i5s की अगर 12 जनरेशन की अगर बात किया जाए, सो इसी में ही आपको चार टाइप्स के प्रोसेसर देखने के लिए मिलते हैं, बट ज़्यादा से लोगों को ये चीज़ पता नहीं होता है। अगर आपको जानना है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने i5 12400 प्रोसेसर यूज किया है और साथ ही साथ इसमें जो मदरबोर्ड यूज किया गया है वो है गीगाबाइट्स का 610 MHDDR4। बजट यहाँ पे मेन चीज़ था, तो इसके हिसाब से यहाँ पे मदरबोर्ड ये यूज किया जा रहा है। अगर आपका बजट ज़्यादा होगा तो आप अच्छे और भी बजट वाला मदरबोर्ड यूज कर सकते हैं। और ये DDR4 है, इसमें हम लोग जो है डुअल चैनल रैम सपोर्ट मिल जाता है, HDMI पोर्ट, VGA पोर्ट, सब कुछ इसमें इंक्लूडिंग है। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे रैम जो यूज कर रहे हैं, रैम यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने मेंटेन किया है रैम की ब्रांड को लेके, क्योंकि हर टाइम हम लोग कोर्सिया ही यूज करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे भी हम लोगों ने कोर्सिया का रैम यूज किया है DDR4 का 8GB करके 2 GB यूज करने का एक रीज़न है, जैसे कि रैम की 100% परफॉर्मेंस मिल पाए। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगर आप हमसे कंप्यूटर बनाते हैं सो हम लोग आपके कंप्यूटर की मैनुअल बायस सेटिंग करके 100% परफॉर्मेंस दे पाए आपका पीसी, उस तरीके का सेटिंग करके आपको जो है कुरियर करते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने 2 GB यूज किया है कोर्सिया के 3200 MHz का 8/8 16GB का, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें CPU को कूलिंग करने के लिए यहाँ पे कूलर मास्टर का जो है हम लोगों ने हाइपर फैन यूज किया है। मेरे हर एक पीसी बिल्टअप पे आपको ये फ़ैन देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि ये सबसे बेस्ट CPU कूलिंग फ़ैन है कम प्राइस के अंदर, ठीक है। इसका परफॉर्मेंस सच में बेस्ट है। और ये हाइपर का वर्जन 3 वाला मॉडल है, इससे पहले भी 2-3 मॉडल्स आते थे, पर अभी फिलहाल तो ये लेटेस्ट मॉडल है। तो इसको भी हम यूज कर रहे हैं। M.2 यूज किया जा रहा है, वो है WD ब्लू और इसमें 240GB यूज किया जा रहा है। उनके पास ऑलरेडी हार्ड डिस्क है और हमसे भी एक EDS का डेटा भी ले रहे हैं। मतलब ये 43500K में तो EDS का डेटा इंक्लूडिंग नहीं है, वो एक्स्ट्रा पे करके EDS का डेटा, एल्बम डिजाइन सॉफ्टवेयर, ये सब जो है परचेस कर रहे हैं। अगर आपको भी वीडियो एडिटिंग डेटा या एल्बम डिजाइन सॉफ्टवेयर लेने होंगे सो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों जो है 240GB WD का NVMe यूज कर रहे हैं इस पीसी को बिल्ड करने के लिए। साथ ही साथ इसमें जो है पावर सप्लाई के लिए बहुत अच्छा पावर सप्लाई यहाँ पे यूज किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं 650W का सर्कल गेमिंग पावर सप्लाई। और ये टोटली व्हाइट पीसी बिल्ड हो रहा है, सो यहाँ पे हम लोगों ने SMPS जो है व्हाइट यूज किया है, जैसे कि पीसी की लुक्स जो है वो बिल्कुल मेंटेन हो पाए, ठीक है। और ये जो पूरी पीसी है 43500K में बन रही है, कंप्लीट वीडियो एडिटिंग एल्बम डिजाइन पर्पस, पूरा पीसी हम लोग बिल्ड करेंगे। पहले पीसी बिल्ड का आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इस पीसी की मैनुअल बायस सेटिंग, फॉर्मेटिंग, इंस्टॉलेशन, जो भी सॉफ्टवेयर इनको ज़रूरत है, जो जो सॉफ्टवेयर इन्होंने एक्स्ट्रा परचेस किया है, या बेसिकली हम लोग जो जो सॉफ्टवेयर पीसी में इंस्टॉल करके देते हैं, ये सब कुछ हम लोग इंस्टॉल करेंगे, पीसी की परफॉर्मेंस चेक करेंगे, जो है अच्छे तरीके रैपिंग करके कुरियर करवाएंगे। और ट्रैकिंग आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर किसी को ट्रैक करके देखना है कहाँ पे गया है ये प्रोडक्ट, आप ट्रैक करके देख सकते हैं। अभी बात किया जाता है रेंडरिंग स्पीड की, अगर स्पीड की बात किया जाए लगभग नॉर्मल फुटेज को रेंडर में अगर आप बैठाते हैं तो 1 घंटे का रेंडर ये 10 मिनट में आराम से करके दे देगा। और इनको बाद में ग्राफिक्स कार्ड भी लगाना है, अभी इनका बजट नहीं है तो वो बाद में ग्राफिक्स कार्ड ऐड करवाएंगे। अगर आपको ऐसे ही एक पीसी घर बैठे अपने घर पे डिलीवर करवाना है सो आप जरूर व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, क्योंकि हम लोग हर टाइम आपके बजट के हिसाब से पीसी बना के देते हैं और हर टाइम आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट जो है सजेस्ट करते हैं। जैसे कि आप
आपका बना हुआ पीसी आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यूज कर सके और उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो है अर्न कर सके। सो आज का पीसी हम लोग पहले बिल्ड कर लेते हैं, फिर आपको पूरी डिटेल्स जो है दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग की पीसी की असेंबली कंप्लीट हो चुकी है, बिल्कुल व्हाइट्स पे जो है हम लोगों ने इसको असेंबली किया है। इसमें लगे हुए एसएमपीएस भी व्हाइट है, साथ ही साथ इसमें जो फैंस लगे हुए हैं आरजीबी वो भी व्हाइट्स है। और आप चेक कर सकते हैं कोई भी वायर से आपको लटकता है या झूलता हुआ यहाँ पर नहीं देख रहा है, पूरी पीसी व्हाइट में बिल्ड किया गया है। कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हम लोगों ने इसको बिल्ड किया है। और कैबिनेट के ऊपर यहाँ पे एक डस्ट फिल्टर आता है और नीचे भी एक है एसएमपीएस के पास डस्ट फिल्टर, और ये पूरा सामने जो है ग्लास लगेगा। इसका लुक्स आप देखना जब मैं वीडियो डालूंगा। अभी इसको जो है मैनुअल बायस सेटिंग करेंगे कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, जो जो सॉफ्टवेयर डालने की बात हुई थी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, परफॉर्मेंस चेक होगा। साथ ही साथ कस्टमर को हम लोग वीडियो कॉल पर भी लेंगे, उसको दिखाएंगे पीसी का लुक्स कैसा लगा है, और उनको कुरियर भी करेंगे फुल अच्छे तरीके से रैपिंग वगैरह करके, उसके बाद ही जो है उनको कुरियर किया जाएगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पीसी में नॉर्मल वीडियो फुटेज एक घंटे का रेंडर लगभग 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, और आप फुल्ली हैवी तरीके से कोई एडिट्स वगैरह करते हैं और एडिटिंग में लगाते हैं तो एक घंटे का रेंडर लगभग आपको 15-20 मिनट, और ग्राफिक्स का लगवा देते हैं तो 10-15 मिनट के अंदर जो है कंप्लीट करके देगा ये पीसी। और ये पीसी मात्र 43,500 में कंप्लीट बना हुआ है और ये जाने वाला है गुजरात। तो एक काम करते हैं इसका मैनुअल वायर सेटिंग एंड फॉर्मेटिंग करते हैं, और जिनका पीसी है उनको वीडियो कॉल पे लेके पीसी को एक बार दिखा देते हैं। ओके, जैसे कि पीसी का अभी कंप्लीट हम लोगों ने फॉर्मेटिंग मैनुअल वायर सेटिंग ऑल इस कंप्लीट कर दिया है। अभी जिनका पीसी बन रहा है उनको हम लोग वीडियो कॉल लगाएंगे, उनको दिखाएंगे उनका पीसी किस तरीके का लुक्स के साथ तैयार हुआ है और परफॉर्मेंस क्या है, उनको डायरेक्ट वीडियो कॉल के थ्रू दिखा के उनसे जो है जानेंगे उनको कैसा लगा इस पीसी को देखते हुए। तो उनको हम लोग डायरेक्टली कॉल लगा लेते हैं। नमस्ते रोहित जी, आपका पीसी यहाँ पे बनके बिल्कुल तैयार हुआ है। मैं आपको एक बार पीसी का लुक्स दिखाना चाहता हूँ, और आप देख सकते हैं ये सामने से तीन आरजीबी फैंस है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने कूलर मास्टर का जो है सीपीयू कूलिंग फैन यूज किया है, और पीछे भी एक आरजीबी फैन है, और दूर से कुछ इस तरीके का पीसी का लुक्स आता है और सामने से कुछ इस तरीके का, ठीक है। और ये कंप्लीट आप वीडियो एडिटिंग एल्बम डिजाइन जैसे कि हमारी बीच बात हुई थी आराम से कर सकते हैं। जो रैम लगे हुए हैं कोर्सिया की 3200 मेगाहर्ट्ज़ की, ठीक है, और i5 12 जनरेशन टोटल पीसी ये बिल्ड होके यहाँ पे तैयार है। और मैं इसमें जो है बाकी आपका EDS इंस्टॉल बाकी है, मैनुअल बायस सेटिंग वगैरह कल दिया है, सिर्फ EDS इंस्टॉल करेंगे और कल तक आपको जो है कुरियर के थ्रू भेजेंगे। सो आप मेरे दर्शकों को बोलिए आपको ये पीसी कैसा लगा। मेरे को बढ़िया लगा सर आपका पीसी। ओके, एक नंबर लग रहा है। और ये कितने में हमारे बीच डन हुआ था ये भी एक बार बता दीजिए दर्शकों को। सर ये 43,000 में हुआ था। ओके, बट हमारा टोटल मिला के कुछ 60 के अराउंड। हाँ, EDS का सॉफ्टवेयर है, बाकी अलग से हम लोग का एल्बम डिजाइन सॉफ्टवेयर वगैरह निकाल के
जो है बढ़ने वाला है। ओके, और जो केबिनेट आपने बोला था उसी को हम दिए हैं ना, देख लीजिए गैलेक्स का है, सेम टू सेम केबिनेट है ना, और ऊपर, हाँ ऊपर यहाँ पे डस्ट फिल्टर है, नीचे भी एक डस्ट फिल्टर दिया हुआ है, और सामने से कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो ये 10 में कितना पॉइंट देना चाहेंगे पीसी को? सर 10 में से 10। ओके, अब बाकी परफॉर्मेंस देखिए, बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बोलते हैं जो पीसी हमने बना लिया और ये इतने में ऐसे परफॉर्मेंस दे रहा है, बट वो वीडियो में बोलने वाला बात है, ऐसा तो है नहीं। ये पीसी आपके पास पहुंचेगा, आप इसका परफॉर्मेंस चेक करना, और यूट्यूब पे तो वीडियो आ ही रहा है, उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको जैसा लगे पीसी का, अच्छा लगे बुरा लगे परफॉर्मेंस जो भी लगे, आप कमेंट कर देना और मैं उसको पिन अप कर दूंगा, जैसे कि मेरे व्यूअर्स को ये पता चले हम जो पीसी बना रहे हैं और कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं उसका परफॉर्मेंस और उसकी क्वालिटी किस तरीके का है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो गुड नाइट, रखते हैं कल तक आपकी पीसी। हाँ बोलिए। काम आपका सर देखने में बहुत ही साफ नजर आ रहा है। थैंक यू थैंक यू। बाकी तो पीसी जब पहुंचेगा आप खुद ही देख पाएंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज मैं आपको बताया नहीं, ये वीडियो पहले भी आपको बता देना चाहिए था, SMPS भी हम लोगों ने वाइड यूज किया है, जिससे कि इसका एकदम लुक्स जो है एकदम पूरा एकदम मैच हो जाए कैबिनेट के साथ। बस सो यहाँ पे हम लोगों ने ब्लैक से, बाकी सब कुछ अंदर का पार्ट सब ब्लैक्स के ऊपर है और बाकी ऊपर से पूरा व्हाइट बना हुआ है। ठीक है, पीसी जब पहुंचेगा जरूर कमेंट कीजिएगा, मेरे दोस्तों को भी, मतलब मेरे व्यूअर्स जो होते हैं, मेरे फोटोग्राफर्स दोस्त जो होते हैं, उनको भी कमेंट्स की जो है वेट करेंगे वो लोग, आपके तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्दी आपके पास पीसी पहुंच जाएगा, कल शाम तक हम लोग इसको कुरियर कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। सर रोहित कुमार जी ने क्या बताया आप लोगों ने भी सुन लिया है, और पीसी जो है हम लोगों ने 43,500 में फाइनल किया है, साथ में वो ADS का डेटा एंड एल्बम डिजाइन का सॉफ्टवेयर जो अलग से ले रहे। सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद पार्सल हम लोगों का यहाँ पे रैपिंग होके तैयार है, और मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूँ, मैंने दो तीन जो कस्टमर है वो पूछ रहे थे सर मैं अगर आपसे पीसी बनाता हूँ तो किस तरीके का रैपिंग होगा, तो आप देख सकते हैं हम लोग कुछ इस तरीके का रैपिंग करते हैं, पूरा बबल को देके, ठीक है, यार बबल्स को देके इस तरीके हर एक साइड पे ऐसे स्टिकर लगा देते हैं डेंजर का, मतलब अगर ग्लास कैबिनेट होता है तो रास्ते में जाते हुए जो कुरियर वाले रहते हैं वो थोड़ा अच्छे से कैरी करें, और साथ ही साथ अगर कैरी अच्छे से नहीं भी करते उनको इतने अच्छे तरीके से रैपिंग किया गया है, अगर थोड़ा गिर भी जाता है कुछ भी नहीं होगा, देख सकते हैं जिस तरीके का रैपिंग होके बिल्कुल तैयार। तो ट्रैकिंग आईडी जो है कुरियर ऑफिस में लगाएंगे, हम इसको भेज रहे हैं अभी और ये कुरियर हो जाएगा, और इसकी जो ट्रैकिंग आईडी, जैसे कि ये गुजरात जा रही थी, इसकी ट्रैकिंग आईडी वीडियो के स्क्रीन पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और साथ ही साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जिसको ट्रैक करके देखना है वो देख सकते हैं। तो आपको भी अगर इस तरीके का पीसी घर बैठे बनाना है, आप कहीं जा नहीं पा रहे हैं या आप हमारे ऑफिस में आके बना नहीं पा रहे हैं, आपको घर बैठे ही पीसी मंगवाना है, सो डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, जो व्हाट्सएप नंबर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अदरवाइज आप गूगल पे जाकर डायरेक्टली स्टोर लाइन इंडिया सर्च, हमारे ऑफिस एड्रेस एंड A to Z डिटेल्स आपको गूगल के थ्रू मिल जाएंगे। सर वीडियो का चल के तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फोटोग्राफर दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।